देखें, इमरान रियाज के केस में जज साहब ने बड़ी क्लियरली वो जो बात की है बड़ी अहम है कि मुझे कंसर्न उसकी जिंदगी से है, मैं फिक्रमंद उससे हूं और मैंने पूरी कोशिश करनी है, अदालत की पूरी कोशिश है टू एंश्योर कि वो जिंदा है, अनहर्ट है, उसे कोई ऐसा वो मामला कोई नहीं। आईजी ने आज फिर एक नया वो सिलसिला किया जी, मुझे चूंकि मेरे अंडर नहीं है, ये आप सुन ही रहे थे कि मेरे अंडर नहीं है, जिससे साबित ये होता है कि वो हेल्पलेस है। और 24 घंटे का टाइम, मैं नहीं समझता कि इवन 24 घंटे में भी कुछ बड़े मिरेकल्स होंगे। और बस ये आप सही कह रहे हैं, हाइड एंड सीक चल रही है। आ जाइए इमरान की तरफ। इमरान के केस में मैं बहुत कंसर्न हूँ, मैंने अल्लाह ताला से आज सुबह भी दुआ, मैं रोजाना दुआ करता हूँ इसलिए कि मेरा वो मेरा कुलीग ही नहीं है, मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा इंतहाई कर, मैं बता नहीं सकता कि मेरे उसके साथ क्या क्या, मैं उसका क्रिटिक भी बहुत हूँ, मेरे से वो डांट बाकायदा, मेरा ख्याल है अपने अब्बा से नहीं इतनी डांट वो सुनता होगा जितनी मुझसे सुनता। अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, उसने सूनर लेटर आना है, ये जितने दिन गुजर रहे हैं इससे बहुत सारी चीजें अया हो रही हैं, हमारे सिस्टम के फॉल्ट और सिस्टम की सड़ांड है जो कि सिस्टम रॉट कर गया है, कि भाई क्या वजह है कि आपको अभी तक पता ही नहीं चल सका वो है किधर। आज जज साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है और मैं समझता हूँ वो आज का हासिल गजल था कि अगर उसको कोई इतना सा भी कोई हार्म होता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और स्क्रैच पे वो लोग जहां से सिलसिला शुरू हुआ, जाहिर पकड़ने कौन आया था जी, बिल्कुल पुलिस कहती है, मुझे भी पुलिस पकड़ने कहती है, पुलिस कहती है कि हम कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है। आप अपने प्रोग्राम में बकायदा इस डंडे को उठाएंगे कि जो यूट्यूबर 50 60 हजार का कमाने